चलानी शुरू कर दी है। लेकिन सैंक्शन की सूची में ईरान को मदद पहुंचाने वाली भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। क्या है पूरा मामला, ये जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। अभी कुछ ही दिनों पहले एक खबर आई थी कि अमेरिका ने अपने सैंक्शन की सूची में उन कंपनियों को शामिल किया है जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को मदद कर रही थी, और उसके बाद खूब हो हल्ला मचा था। और ऐसे में हम देखें तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के पाकिस्तान दौरे और श्रीलंका दौरे के बाद भी बढ़ते ईरान के जो फुटप्रिंट्स हैं वो दरअसल पाकिस्तान और श्रीलंका में दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस बीच अमेरिका ने जिस तरह से अपने सैंक्शन की सूची में भारतीय कंपनियों को शामिल किया है, ये किसी आश्चर्य से कम नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच की जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है वो खास तौर पे इंडियन ओशन में काफ़ी मायने रखती है। और ऐसे में देखें तो क्यों अमेरिका ने भारत की कंपनियों को ईरान के साथ बेहतर संबंधों के कारण सैंक्शन की सूची में डाला है, ये अपने आप में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जो दरअसल तीन कंपनियाँ भारत की इस वक्त अमेरिकी सैंक्शन का शिकार हुई हैं, इन पर आरोप है कि वे ईरान के सबसे बड़े ड्रोन प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही थीं। और हम जानते हैं कि किस तरह से ईरान के जो खतरनाक शाहिद ड्रोन हैं वो दुनिया के बेहतरीन ड्रोन में से शामिल हैं, जिनका अभी हाल ही में ईरान ने उपयोग इसराइल पर हमले के दौरान किया था। लगभग 2000 किलोमीटर के दायरे को क्रॉस करने वाले ये वही ड्रोन हैं जिनका इसी हफ्ते चीन के साथ भी डील हुआ है। लगभग 15,000 ऐसे ड्रोन ईरान चीन को भी सप्लाई कर रहा है। लेकिन अमेरिका का कहना कुछ और है। अमेरिका का कहना यह है कि दरअसल जो भारत की तीन कंपनियां हैं जिनके नाम करीब करीब जोन शिपिंग, उसके अलावा पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सी आर शिप मैनेजमेंट है, ये तीनों ऐसी कंपनियां हैं जो ईरान के सबसे बड़े शिपमेंट की कंपनी यानी सहारा थंडर के साथ एसोसिएटेड हैं। और ये कंपनियां दरअसल न सिर्फ ईरान को बल्कि दूसरी तरफ आप देखें तो खास तौर पे यूक्रेन के वॉर में इस वक्त खड़े रूस को भी ईरानी ड्रोन को सप्लाई करती हैं। इन आरोपों के चलते आप देखिए तो किस तरह से अमेरिका ने भारत के संबंधों को भी दरकिनार करते हुए ईरान के ऊपर हमले के बीच भारतीय कंपनियों को भी समेट लिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इसीलिए भी है क्योंकि हम देखें तो जिस तरह से ईरान और इसराइल के बीच जो वॉर के सिचुएशन हैं उसमें अमेरिका सीधे सीधे कूदता हुआ नजर आ रहा है। हम जानते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के पाकिस्तान दौरे के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को भी धमकाया कि अगर ईरान के साथ पाकिस्तान अपने आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाता है तो इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। इस तरह की धमकी श्रीलंका के पास भी आई। लेकिन हम देखें तो किस तरह से पाकिस्तान और श्रीलंका ने ईरान को अपने रेड कार्पेट पर स्वागत किया वो भी दरअसल ईरान के बढ़ते प्रभाव क्षेत्र को दिखलाता है। और इसी के कारण अमेरिका पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। उसकी बौखलाहट के जड़ में जिस तरह से भारत की तीन कंपनियां आई हैं वो बतलाने के लिए काफी है कि ईरान के ऊपर अपने सैंक्शंस की तलवार चलाने में किसी भी तरह की कोताही इस वक्त अमेरिका नहीं बरतना चाहता, क्योंकि उसे मालूम है कि ईरान के बढ़ते फुटप्रिंट्स जो हैं वो इसराइल पर भारी पड़ेंगे और आखिरकार वो अमेरिका के लिए बड़ी समस्या पैदा करेंगे। और इसीलिए आप देखिए तो भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों के बीच जो एक तनाव आपको दिखाई दे रहा है वो दरअसल इसराइल वॉर और ख़ासतौर पर आप देखिए तो ईरान भारत संबंधों के भी दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। जिस तरह से अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में फिलिस्तीन को लेकर अमेरिकी छात्रों ने पुरजोर प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन को दबाने के लिए जिस तरह से अमेरिका के हम कहें कि पुलिस ने अपना बल प्रयोग किया, और उसके बाद हमने देखा कि भारत ने भी अमेरिका पर तल्ख टिप्पणी की। जो टिप्पणी थी भारत की उसे मैं दोहराते हुए उसी लाइन को आपको बताऊं कि भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि आखिरकार हम सभी का मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि हम घर में क्या करते हैं, न कि विदेश में क्या कहते हैं। यानी अमेरिका जो कि डेमोक्रेसी पर दुनिया के तमाम देशों को लेक्चर देता है उसे अपने घर में देखना चाहिए, अपने घर में दरअसल उसे मिसाल कायम करना चाहिए जो कि दुनिया के लिए नज़ीर बने। लेकिन अमेरिका अपने घर में हो रहे प्रदर्शन को दबाने के लिए जिस तरह का बल प्रयोग कर रहा है वो जाहिर तौर पर इस वक्त दुनिया के सामने है। और दूसरी तरफ आप देखें तो जिस तरह से अमेरिका ने भारतीय कंपनियों के ऊपर सैंक्शन की तलवार चलाई है उससे ये भी समझना बेहद ज़रूरी है कि अमेरिका अब खुलकर दरअसल ईरान के खिलाफ अपने हथियार चलाने लगा है और वो हथियार उसका सैंक्शन का है। हम जानते हैं ईरान आर्थिक तौर पर सामरिक तौर पर मजबूत होगा तो खतरा सबसे बड़ा अमेरिका के लिए है, इसराइल के लिए है, और इसीलिए आप देखिए तो इस तरह के कदम अमेरिका अब लगातार उठा रहा है। सबसे बड़ी बात कि अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत आज की तारीख में एक ऐसा देश है जो अपने अलाइनमेंट के जरिए अपने पॉलिसीज को डिसाइड नहीं करता है बल्कि अपने हितों को देखते हुए अपने संबंधों को निर्धारित करता है। और इसीलिए हमने देखा कि चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो या इस वक्त का इसराइल और हमास का युद्ध हो या फिर अब छिड़े हुए ईरान के साथ जिस तरह से खुलेआम इसराइल के युद्ध के हालात हैं, इस बीच भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है।
भारत अपने हितों को सर्वोपरि तरीके से रखता है। आप वो भी दौर याद कर सकते हैं 2010-11 का, जब ट्रंप ने भारी सैंक्शन जो है ईरान पर लगाया था और तब भी भारत ईरान के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाते हुए उससे तेल इम्पोर्ट कर रहा था। बहुत बार ऐसा हुआ कि अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव बनाया, लेकिन उस वक्त भारत ने साफ कर दिया कि भारत अपने हितों की रक्षा पहली बार करेगा। ईरान भी भारत के हितों की रक्षा कैसे करता है, इसकी वानगी भी आप देख सकते हैं कि जब इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के दौरे पर थे और वो शहबाज शरीफ के साथ मंच साझा कर रहे थे, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का राग अलापा, लेकिन जिस तरह की नज़रों से रईसी ने शहबाज शरीफ को देखा और उसके बाद मंच पर चुप्पी साध गए, वो ये बताने के लिए काफ़ी था कि वो कश्मीर के पाकिस्तान के एजेंडे से सहमत नहीं। उसके बाद शहबाज शरीफ की किरकिरी हुई, भारी किरकिरी के बाद ज्वाइंट जो स्टेटमेंट है उसमें कश्मीर के मुद्दों को लाया गया, लेकिन उसमें भी ईरान ने साफ कह दिया कि ये द्विपक्षीय मसला है, दोनों देश मिलकर सुलझाएं, और इससे साफ था कि ईरान एक सॉफ्ट कॉर्नर जो भारत के लिए रखता है वो दरअसल खुलकर अपने शब्दों में बयां कर रहा है। ये पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं था, लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए तो भारत और जो अमेरिका के संबंध हैं उन संबंधों के बीच इस वक्त ईरान जिस तरह से इस सैंक्शन के जरिए खड़ा हो गया है, ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि जब भारत जैसा देश अपने जो सामरिक नीतियां हैं या फिर अपनी कूटनीतिक नीतियां हैं उनको स्वतंत्र तरीके से ड्राइव करता है तो उस बीच में ऐसे रोड़े भी आते हैं और अमेरिका को कतई बर्दाश्त नहीं होता कि उसका अपना जो पार्टनर है वो उसकी बात को ना माने। लेकिन ये न्यू इंडिया है जो कि आप देखिए कि किस तरह से रूस के साथ भी तमाम सैंक्शन के बावजूद अपने संबंधों को बनाए रखा और रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने भी S-400 जैसे सिस्टम की डिलीवरी भारत को दी और भारत अपने ऊर्जा जरूरतों को रूस के साथ जो है पूरा करता रहा। इस पर अमेरिका विफलता रहा, लेकिन भारत ने उस वक्त भी अमेरिका को ये लेक्चर देने में परहेज नहीं की कि जब अमेरिका के साथ साथ उसके नेटो और यूरोप के देश जो हैं थर्ड पार्टी के जरिए रूस का ऑयल ले सकते हैं तो भारत डायरेक्ट क्यों नहीं ले सकता। भारत को नसीहत देने के पहले अपने गिरेबान में झांककर देखें। एक बार फिर वही हालात ईरान के साथ भी पैदा हो रहे हैं जब भारत ईरान संबंधों के बीच जो है अमेरिका आकर खड़ा हो गया है और अमेरिका भारत के 3 कंपनियों को सैंक्शन कर ये बतलाना चाहता है कि अगर भारत की कंपनियां, भारत की सरकार या भारत के जुड़े लोग जो हैं ईरान के साथ अपने आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाएंगे तो अमेरिका उन पर भी तलवार चलाने से बाज नहीं आएगा। ये और बात है कि भारत और अमेरिका के संबंध इससे दरकेंगे। लेकिन बाइडेन का ये जो कदम है वो अपने आप में कहने के लिए काफ़ी है कि भारत और अमेरिका के संबंधों में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जिस तरह से डेमोक्रेसी और प्रोटेस्ट को लेकर भारत ने अमेरिका को आईना दिखाया है वो भी ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि भारत अपने हितों की रक्षा करने के लिए अमेरिकी संबंधों को भी दरकिनार करते हुए उसे भी लेक्चर सुना सकता है और ये कई बार हो चुका है। उसमें एक और कड़ी जुड़ती हुई नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात कि ईरान जो कि एक अलग थलग पड़ा हुआ देश था उसने अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए जिस तरह से पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ बेहतरी की, ये भी जानकारी सूत्रों के आधार पर आ रही है कि ईरान के राष्ट्रपति भारत दौरे पर भी आना चाहते हैं। इससे पर्दा तब उठेगा जब भारत में चुनाव खत्म होंगे, तब ये देखा जाएगा कि क्या भारत की सरकार ईरान के राष्ट्रपति को अपने यहाँ भी वेलकम करती है। लेकिन फिलहाल इस वक्त के दौर में, इस वक्त के माहौल में ये साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान जो है वो अमेरिका की आंखों की सबसे बड़ी किरकिरी है और अमेरिका किसी भी हद तक जाना चाहता है ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाने के लिए, ईरान के आर्थिक और सामरिक हितों को चोट पहुंचाने के लिए। और ऐसे में भारत की कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगाकर अमेरिका ने बतला दिया है कि वो अपने मित्र देशों की भी परवाह नहीं करेगा अगर बात ईरान की आएगी। तो देखते हैं आगे ईरान अमेरिका के बीच का जो एक कन्फ्लिक्ट है और ईरान और इसराइल के बीच का जो वॉर है वो किस तरह से नया रुख अख्तियार करता है, दुनिया की आर्थिक स्थिति पर, सामरिक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव आने वाले दिनों में पड़ता है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। मुझे और मेरे सहयोग